गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। अभी राइड है, एनुअल राइड। इतना दिन थोड़ा कैमरा बिगड़ गया था, इसीलिए आप लोगों को वीडियो शेयर नहीं कर पाया और कहीं घुमा भी नहीं। द ट्रू फैक्ट इज, तो अभी निकले हैं, जाएंगे सारंडा। ये है हमारे KTM 250-390 एडवेंचर ग्रुप का एनुअल राइड। तो अभी यहाँ पे जीत और रोहित आएगा, दोनों ग्रुप्स में हम लोग जा रहे हैं। सो अभी बज रहा है 4:45, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अयोंदा सामने है। सो लेट्स मीट यू गाइज ऑन द रोड। अभी के लिए आई विल जस्ट वेट फॉर देम, मे बी कॉल अ फ्यू, फिर उसके बाद वी विल कंटिन्यू। सो हम लोग धूलागढ़ से रवाना हो चुके हैं। अभी सुबह उतना सब लोग जाने के लिए राजी नहीं थे, तो दे विल स्टार्ट एट 5-6 एंड वी आर द 5 AM वाला पीपल। तो अभी ये सामने सब हैं, मेरे अलावा और 5 लोग, उसमें से रोहित तो 1000 R, ओहो शायद गलत बोल गया, बट उसका बाइक बहुत ही बढ़िया है, होना भी चाहिए। सो वी आर एंजॉयिंग इट। ये देखिए सारे लोग, ठंडा काफी है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है, एंड वी आर क्रूजिंग अलोंग। सो ओके, लेट्स एंजॉय द राइड। अभी खड़गपुर पे ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट का, उससे पहले नो स्टॉपेजेस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफी फॉग है। इट्स ओनली दैट अभी तक सुबह हुआ नहीं है, तो सनलाइट इज नॉट ब्लॉकिंग इट, वरना एक बार सुबह हो जाए ना, ये फॉग और बहुत गाढ़ा हो जाएगा। सो इसीलिए वी आर ट्राइंग टू रीच और कवर एज मच एज पॉसिबल इन द नाइट। तो ये शायद कोई छूट गया था, इसलिए हम लोग एक बार रिग्रुप हो गए, फिर से चलना स्टार्ट। आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट दिस ओनली, मैं यही बोल रहा था कि जब सुबह होगा देयर विल बी टू मच फॉग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे सूरज निकल रहा है फॉग का इंटेंसिटी और ज़्यादा होता जाएगा। सो आई एम रियली ग्लैड कि वी स्टार्टेड एट 5 not 6, क्योंकि आई थिंक जो 6 वाले बंदे होंगे उनको फॉग काफ़ी दिक्कत करेगा। सो अभी थोड़ा स्पीड तो कम होगा ही, बट ठीक है, स्लो एंड स्टेडी, रुकना नहीं है, एज लॉन्ग एज वी कैन सी चलते जाएंगे। सो ऑलमोस्ट ये आप लोगों को पहले भी वीडियो में आप देखे हैं, ये लोधासुली खेमासुली का जंगल स्टार्ट हो गया है दोनों साइड पे। हम लोग नॉन स्टॉप ही जा रहे हैं, सुबह आराम से चला सकते हैं, कोई थकान महसूस नहीं होता। तो अभी अयोंदा ने बोला है कि कहीं रेस्टोरेंट दिखे तो रुक जाएंगे, ब्रेकफास्ट भी करना है, फिर जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। Till then, enjoy the ride and we'll look for a place to have breakfast. Hee hee hee.
रुकेंगे यहाँ पे 7:15 ब्रेकफास्ट करने। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ है और हम लोग फिर से स्टार्ट हुए हैं। वो दूसरा टीम वो भी आ रहे हैं पीछे, बट उनके लिए उतना रुकना तो पॉसिबल नहीं होगा। दे विल कम ऑन देयर टाइम। हम लोग आस्ते आस्ते चलते बनेंगे। आलू पराठे खाए ब्रेकफास्ट में, बहुत बढ़िया था। अभी चलिए चलते हैं। लेट्स मीट ऑल ऑफ यू ऑन द रोड। एंड ठंडा काफ़ी है सो ठीक है। लाइनर सुबह मिला नहीं था तो पहन नहीं पाया। नॉर्मल एक जैकेट पहन लिया अंदर, वूली कॉट, बट बहुत ठंडा है। ठंडा काफ़ी ठंडा। सो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट कंप्लीट। तो हम लोग एशियन हाईवे पकड़े हैं, बाहर घोड़ा से लेफ्ट लेके। यहाँ से दो रास्ता जाता है घाटशिला तक। एक के लिए यू कैन टेक लेफ्ट और एक होता है घाटशिला से होके सारंडा निकलता है और ये एशियन हाईवे है। ये बाहर घोड़ा से आपको लेफ्ट लेना पड़ता है। तो हम लोग वही रास्ता लिए विदाउट कि नहीं एशियन हाईवे है, ख़राब नहीं होगा। हाँ रास्ता स्प्लेंडिड है, अच्छा है। सो लेट्स कंटिन्यू। ये जो जगह है यहाँ पर है सिमलीपाल, जो आते हैं ना सिमलीपाल फॉरेस्ट राइड वाइड सब होता है। सो ये जैसे दिख रहा है पहाड़ आपको, मुझे पता नहीं ये रास्ता कहाँ पे जाता है, बट यस हो सकता है हम लोग भी वही रास्ते से चलेंगे। बट हाँ यहीं पे सिमलीपाल के जितने भी टूर्स हैं यहाँ से कंडक्ट किए जाते हैं। अगर ऐसा रास्ता हो तो काफ़ी मज़ा आएगा चलाने में। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो राइट साइड में पूरा ऐसे ट्रक्स खड़े हुए हैं। ये रास्ता पूरा ही जाम था, कैसे भी बाइक है इसीलिए साइड साइड से निकल निकल के आए हैं, पॉसिबल हुआ है। अब कार लेके आएंगे तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कैच द घाटशिला वाला रोड, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में से काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है इसमें। तो ये दिक्कत है, बाकी तो रास्ता सही ही था। बट हाँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। चलिए फिर से अच्छे रास्तों पे आ गए। ए तो ऑफ रोड है, गलो ऑफ रोड। पहले ही आप लोगों को बताया था कि कैमरा चेंज हुआ है। ये इंस्टा 361 RS ट्विन एडिशन वाला कैमरा मैंने लिया है। तो अभी ये जो फुटेज आप देख रहे हो उसी में शॉट है, लेकिन पहले जो था वो सिर्फ
इसका 4K वाला जो मॉड है लेंस का, उसमें से खींचा गया था। अब ये जो है आगे के वीडियोस, ये सारे 360 में खींचे गए हैं, तो इनको ऐसे रिफ्रेम करके बनाना पड़ता है। ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा, ऐसे फुटेजेस और भी रहेंगे, होप आप सबको अच्छा लगे। तो इसमें जैसा आप देख रहे हैं, इसको डीप ट्रैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर का फीचर होता है इंस्टा 360 स्टूडियो में, ये उसमें बनाया गया है। तो इसके बाद क्या हुआ, एक मक्खी जैसा कोई मेरे आँख के अंदर घुस गया और काट दिया ये लेफ्ट साइड में, और उसके वजह से मैं बाइक स्लो कर लिया एंड एवरीथिंग, बट डिसबैलेंस होके गिर गया, लेफ्ट वाला आईना टूट गया। थैंकफुली ये कुछ लोग बाइक पे जा रहे थे तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, क्योंकि इतना भारी है ना, इसको खुद अकेले मैं खड़ा नहीं कर पाता, तो उनके हेल्प से इसको खड़ा किया। फिर जीत वापस आया, उसको लगा था मैं क्यों रुक गया वो खबर लेने, फिर उसके बाद से आराम से मैंने जर्नी कंटिन्यू किया। ये देखिए आ गया एक वीकेंड हार्ट, ये गूगल जैसा रास्ता दिखा रहा है वैसे ही जा रहे हैं। कॉल किए थे बाकी लोग, ये बाजार पार करके खड़े हैं, तो इनमें से ऐसे ही धीरे धीरे जाएंगे। ये पूरा एकदम किलोमीटर लॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट 500 मीटर्स तो है ही ये बाजार एंड ऑल। ये जो रास्ता है ये ऑलमोस्ट रिजॉर्ट से और 4-5 किलोमीटर का है, बट यहाँ पे पूरा जंगल है एंड क्या बोलते हैं उसे, मैप इज नॉट वर्किंग, मैप बिल्कुल काम नहीं करता है यहाँ पे। तो कोई भी यहाँ से वहाँ से दिखा रहा है। अब हमारे साथ रोहित का वो निंजा 1000 भी है, तो उसको कैसे भी जंगलों से लेके जाएंगे तो नीचे का उसका लो है ना हाइट, वो लग जाएगा, तो वो हिसाब से देख के कॉल कर करके फिर हम लोग जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अब पहुंच गए हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सारंडा सफारी रिजॉर्ट। तो ये आपको पूरा रिजॉर्ट का टूर दूंगा आराम से, पहले थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो लेते हैं, देन आप लोगों को पूरा रिजॉर्ट दिखाऊंगा। हाँ, तो अभी लंच हो गया है। लंच में नॉर्मल जैसे खाना था, चावल दाल सब्जी मछली फ्राइड फिश आल्सो, वो सब खाना खा के अब आज कहीं और निकलेंगे नहीं, सब कोई रेस्ट लेंगे
उसके बाद शाम को थोड़ा बातें करेंगे, घूमेंगे। बहुत ही सुंदर है जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो रिजॉर्ट। तो यही पे बस वक्त बिताएंगे आज। कल सारंडा पूरा एक्सप्लोर होगा, लॉट ऑफ ऑफ रोड्स आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। टिल देन बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। एनीवेज स्टे इन टच, कीप सपोर्टिंग।